हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वीडियो। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को बताऊंगा सर्टिफिकेट डिजाइन करके बिल्कुल ही बेसिक और आसान तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्टार्ट बटन पर और यहाँ से क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है और यहाँ से चलते हैं पेज लेआउट और जनरेशन पे जाकर यहाँ करते हैं लैंडस्केप और साइज पर जाकर करते हैं A4 और यहाँ से रूलर को कर लेते हैं एडजस्ट। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अच्छे अच्छे वीडियो, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को भी जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल न्यू पेज अपना तैयार है और यहाँ से चलते हैं इंसर्ट और इंसर्ट पर के चलते हैं शेप। और शेप में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा बेसिक शेप फ्रेम का। फ्रेम पर क्लिक करके यहाँ से हम बनाएंगे एक फ्रेम। यहाँ से थोड़ा सा जूम माइनस कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और इसका चौड़ाई जो ज़्यादा है इसे कम करेंगे। इस येलो बटन पर क्लिक करके ऊपर की ओर ऐसे ड्रा करेंगे तो ये कम हो जाएगा। जितना आपको रखना होगा आप देख लीजिएगा, इतना ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका डिजाइन यदि चेंज करना है तो चलते हैं राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट शेप, इसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करते हैं और यहाँ से चलते हैं गार्डियंस पे, फिल या फिर पिक्चर टेक्स्ट फिल पे या फिर पैटर्न फिल, जो आपको अच्छा लगेगा तो पैटर्न फिल पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से जो आपको अच्छा लगे तो मैं इसको क्लिक करके और उसके बाद यहाँ से करता हूँ क्लोज, तो ऐसा फिल हो गया। आउटलाइनिंग यदि आपको हटाना है तो यहाँ से शेप आउटलाइनिंग पे जाकर नो आउटलाइन क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमें मनोबल हौसला बढ़ता है और भी वीडियो बनाने में मन लगता है। तो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर किया करें। चलिए अब एक डिज़ाइन बनाते हैं, चलते हैं साथ में। यहाँ से लेते हैं रिटेंगल, रिटेंगल लेते हैं और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से ड्रा करते हैं। ड्रा करने के बाद में इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर करते हैं एडिट पॉइंट। फ्रेंड्स, ये है एडिट पॉइंट, आपको सिर्फ 2007 के ऊपर वाले वर्जन में मिलेंगे। जैसे कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2007 यदि 2007 होगा उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, 10 है या फिर इसको ऊपर का है तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडिट पॉइंट क्लिक करते हैं, इसके बाद में देखिए इस एडिट पॉइंट को हम डिलीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जूम कर लेते हैं पेज को, जूम कर लेते हैं इतना, ठीक है। और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे रेड वाले लाइन पर और राइट क्लिक करके ऐड करेंगे पॉइंट, ऐड पॉइंट, ठीक है। ऐड पॉइंट हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो गया और फिर इस साइड में यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐड करेंगे, ऐड पॉइंट, ठीक है। और इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर और इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे, तो देखिए इस तरह से एक कट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके फिर यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा जो ऐड पॉइंट किए थे एक पॉइंट बनेगा, आप यहाँ से इसको क्लिक करके ऐसे आप खींच सकते हैं। यदि आप शिफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको दूसरी साइड में लाइन शो करेगा कि आपका जो लाइन जा रहा है सीधा है या नहीं, तो बिल्कुल मैं सीधे बना लिया हूँ, ये बन गया। उसी तरह से आप यहाँ भी क्लिक करके आप इसे कर लीजिए, तो मैं इधर भी बना लिया। तो फ्रेंड्स, ये बन गया। बनने के बाद में इसका जो कलर है आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से रेड या फिर मोर फिल कलर पर जाकर डार्क रेड जैसा भी आपको देना होगा आप दे लीजिए। तो मैं यहाँ से आउटलाइनिंग इसका ख़त्म करना होगा, इसको हम थोड़ा सा जून माइनस करते हैं। देखिए यदि आउटलाइनिंग इसका ख़त्म करना है यहाँ पे तो इस पर क्लिक करके देखिए सेव आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके नो लाइन कर दीजिए, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, इसको दूसरी साइड में लगाना है तो कंट्रोल प्लस प्रेस करके रखिए और ऐसे खींचिए, ये दूसरी साइड में आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर उसे रोटेट करके इस तरह से यहाँ से रोटेट करके ऐसे और दूसरी साइड में लगा लीजिए इस तरह से, दोनों साइड में लग गया। अब इसको हम थोड़ा सा व्यू पे चल के इसको 100% करते हैं या फिर थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो देखिए इस तरह का ये। तो फ्रेंड्स, इतना अपना डिजाइन बन गया है जो कि बिल्कुल फ्रेम और जो बाहर का डिजाइन होना चाहिए था ये बन गया है। अब हमें टेक्स्ट वगैरह डिजाइन करना है और लिखना है, तो देखिए यहाँ पर हम एक लोगो लगाएंगे, लेकिन लोगो फ्रेंड्स बिल्कुल वो भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन किया हूँ लोगो। यदि आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम उस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, यहाँ से उस वर्ड को ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने बनाया था और इसे उसके बाद में इसे करता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद में जो दूसरा शीट है इसे मिनिमाइज करता हूँ और जो दूसरा शीट है जिस पर मैं डिजाइन कर रहा हूँ
इस पे जाके इसे करेंगे पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, और इसे छोटा कर कर इसे, और इसे हम यहाँ पर जहाँ लगाना चाहते हैं इसे लगा लेते हैं। साथ में इंसर्ट पे चलते हैं, फिर इंसर्ट पे जाकर वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट से आप जो डिज़ाइन लिखना चाहते हैं लेकर वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक कर बाहर क्लिक कर लेते हैं एक बार, और यहाँ से इंसर्ट पे चलते हैं और वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए टैक्स आ गया, योर टैक्स एडिट हेयर। तो यहाँ पे क्लिक करके जो नाम वगैरह आप, जो भी आपका फेम का नाम, जो भी आपको कुछ भी नाम है कंपनी वगैरह कुछ भी, तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, जैसे भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। मैं यहाँ पर इग्नोर ऑल कर लेता हूँ जो इस तरह से, और मैं इसे सेंटर रख देता हूँ। साइज बड़ा करना होगा तो आप इसे साइज को बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है परफेक्ट साइज सही है। मैं यहाँ पर इसे, अब चलिए नीचे डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से लेते हैं इंसर्ट और लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रा करते हैं और लिखते हैं यहाँ पर जो हमें लिखना चाहिए, इस तरह से सर्टिफिकेट, और साइज थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेते हैं अचीवमेंट। अब इसे हम यहाँ से साइज बड़ा कर लें, अनबोल्ड करते हैं और कलर दे देते हैं रेड, और इसको कर लेते हैं कर्सिव, अच्छा लगेगा देखने में कर्सिव फ्रेंड्स, और इसे रख लेते हैं सेंटर में। उसके बाद फ्रेंड्स इसका बाहर आउटलाइनिंग आ रहा होगा, तो आउटलाइनिंग पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके और सेव आउटलाइनिंग, नो आउटलाइनिंग, तो ये बन गया इतना। चलिए ठीक है अब आगे बनाते हैं, फिर से एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर यदि अपना एड्रेस वगैरह मोबाइल वगैरह लिखना होगा तो सिंपल आप इंसर्ट पर जाकर और सेव से, और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स से लेकर आप लिख लीजिएगा जो लिखना होगा, मैं इतना छोड़ देता हूँ आपकी मर्ज़ी, और भी कुछ लिख सकते हैं आप भी। तो यहाँ से क्लिक करते हैं और लिखते हैं, और इसके बाद में इसे हम साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और इसे सेंटर में, इसे भी सेंटर में यहाँ पर रख लेते हैं। फॉर्मेट पर जाकर नो फिल, और आउटलाइनिंग भी नो कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ पर लेते हैं साइज और बड़ा करना है तो होम पे जाकर दोबारा बड़ा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा परफेक्ट साइज कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है इतना। उसके बाद हम नेम देते हैं जिसको दिया जा रहा है, तो यहाँ उसके लिए भी फिर इंसर्ट शेप, इसे इजी हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स लेने से, लिखने में आसान हो जाता है, आप कहीं भी उठा कर रख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ से नेम लिख देते हैं जो है, और साइज यहाँ से करते हैं साइज बड़ा, वैसे शॉर्टकट की भी है आप साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्लिक करके कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ से इसको कर देते हैं कलर दे देते हैं, और थोड़ा सा इसका फॉन्ट को स्टाइलिश ले जाते हैं तो ठीक है, और इसको बोल्ड कर लेते हैं, और फिर से थोड़ा सा साइज और बड़ा करना है तो ठीक है बड़ा कर लेते हैं इतना, और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए नेम है, और इस तरह से जहां आपको रखना हो। मैं यहां से इसका जो कलर है वो फिल नो फिल कर देता हूं, आउटलाइनिंग भी नो कर देता हूं टेक्स्ट बॉक्स का, और इस तरह से मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। फिर से इंसर्ट टैक्स बॉक्स, और यहाँ पर लिखते हैं साथ में फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग, फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग सेलेक्ट करके साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड साइड में रखते हैं बिल्कुल सेंटर में, और फिर से फॉर्मेट पे जाके फिल नो फिल आउटलाइनिंग नो हो गया। अब फ्रेंड्स साथ में नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जो कि कोर्स हो कंप्लीट, जो कोर्स ही है कोर्स के नाम, जो भी आपके पास कोर्स वगैरह का जो नाम होगा, या किसी भी चीज़ के लिए जो कंप्लीट जिस के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं उस चीज़ का नाम, यहाँ पर नेम हो गया, और भी चीज़ें डिटेल ऐड कर सकते हैं वो आपकी चॉइसेज है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं फंडामेंटल्स एप्लीकेशन, और यहाँ से इसको साइज को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा साइज कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो राइटिंग है उसे थोड़ा चेंज करके बोल्ड करते हैं, और इसे सेंटर में ले लगाते हैं, और यहाँ से इस तरह से साइज और बड़ा और साइज और बड़ा करते हैं इसे, कलर इसको रेड दे देते हैं, आउटलाइनिंग नो आउटलाइन शेप नो फिल, बस फिर से इतना बन गया।
देखिए अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ से उसके बाद में नॉर्मल आपको डिटेल और ऐड करना हो तो ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट, क्योंकि और भी डिटेल क्या लेकिन यहाँ पर बस थोड़ा सा खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेट, इंसर्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स, और वहाँ से डेट इसको बोल्ड करके कलर इसको ब्लू दे देते। फ्रेंड्स ये हो गया, और भी डिटेल वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके चॉइसेस है। तो चलिए इतना है, और भी डिटेल वगैरह टेक्स्ट बॉक्स लेकर, जिस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लेकर मैं बनाया आप देख सकते हो, उस तरह से आप डिटेल ऐड कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से चलते हैं और करते हैं सिग्नेचर के लिए, और एक लोगो बनाते हैं यहाँ पर। तो चलिए आपके सामने एक और लोगो बनाते हैं। तो चलें, क्योंकि अब हम यहाँ पर अभी मार्कर लेते हैं गुड का या फिर साइन का, ओके का, तो अभी हम किसी गूगल से भी आप डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे गूगल से डाउनलोड करता हूँ तो कॉपीराइट का इशू हो सकता है, तो इसलिए चलिए हम खुद से बना लेते हैं। इंसर्ट पे चलते हैं और शेप पे चलते हैं, और यहाँ से कोई भी एक डिजाइन ले लेते हैं, तो ले लिए। और इसके बाद में इसे यहाँ से इसे ड्रा किए, ड्रा करने के बाद में आप इसको येलो से जितना भी चाहें करना चाहें कर सकते हैं, तो हम इतना बहुत है ठीक है इतना। और इसके बाद इसको जो शेप है मैं यहाँ से देता हूँ गोल्ड, और गोल्ड का देने के बाद में साइज वगैरह जो भी कहे, और इसको और जूम कर लेते हैं यहाँ से पेज को, ताकि बनाना आसान हो और दिक्कत ना हो किसी तरह से। ये बन गया, अब यहाँ से फिर से शेप पे चल के और यहाँ से ले लेते हैं बॉक्स, और रिटेंगल को लेकर यहाँ से एडिट पॉइंट को कर लेते हैं यहाँ से एडिट पॉइंट, और बीच में एक पॉइंट ऐड करके एड पॉइंट, और इसको वहाँ से ऊपर ऐसे खींच देते हैं कट की तरह बन जाएगा, और इसको यहाँ से रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करके जो साइज आपको रखना होगा आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ से इस तरह से रख लेता हूँ। आउटलाइन को नो आउटलाइन करके, या फिर यहाँ से भी इसको भी वही डिजाइन दे देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके, और इसे यहाँ से इस तरह से दूसरी साइड में रोटेट कर देते हैं ठीक है। राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाकर सेंड टू बैक बिहाइंड टेक्स्ट, और यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, बैक में चला गया, और ये डिजाइन हो गया। अब यहाँ पर एक और शेप ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं यहाँ से सर्कल, और सर्कल लेकर और इसे कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन ब्लू जैसा आपको देना होगा उस उठा कर इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं, अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। अब हमें कोई ओके वगैरह कुछ साइन वगैरह देना है, तो साइन वगैरह आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाइएगा तो नहीं मिलेगा नॉर्मल इसमें साइन ओके वगैरह का, तो आप ऐसे कीजिए टैग वर्ड आर्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से कहीं भी बाहर भी, एक मिनट बाहर कहीं क्लिक क्लिक करिए डबल क्लिक, और वर्ड आर्ट पर जाकर इस साइन को किसी एक साइन को क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ से डिजाइन को क्लिक करने, और इसको कट कर लीजिए पूरा। कट करने के बाद में देखिएगा, जब इंसर्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो बगल में ऑप्शन आएगा आपका सिंबल का, सिंबल पे क्लिक करके और यहाँ से मोर सिंबल पे जाके आप इतने सारे डिजाइन हैं लोगो हो जो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए चेक मार्क ओके का यहाँ पर निशान लगा कर यहाँ से करता हूँ ओके, आर वगैरह सी बहुत सारे चीज़ हैं, तो इंसर्ट कर लेता हूँ और क्लोज, और यहाँ से इसको छोटा करके इसको ऊपर ही रख देता हूँ ठीक है। ये हो गया, साइज़ बड़ा करना चाहते हैं आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं। वैसे ऐसा डिज़ाइन आपको नेट से बहुत सारा मिल जाएगा, आप बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं एक से एक है गूगल पे, लेकिन मैं डाउनलोड करके नहीं बना, ये बन गया, तो इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। और देखिए अब यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्टर का, तो इंसर्ट शेप, शेप के बाद में यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ऑफ डायरेक्टर, साइन ऑफ डायरेक्टर इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, साइज थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर लीजिए, और यहाँ से इसको जहाँ पर आप रखना चाहते हैं, जहाँ पर देना चाहते हैं स्टंप वगैरह के लिए कि यहाँ पर स्टंप हो, तो मैं यहाँ पर देता हूँ साइड में ठीक रहेगा, इसको साइड में यहाँ पर ठीक रहेगा। आउटलाइनिंग फॉर्मेट पे जाके आउटलाइनिंग नो आउटलाइन कर देते हैं ठीक है, और फिल को भी नो फिल कर देते हैं, और हो गया। इसके बाद में इंसर्ट पे जाकर, और इंसर्ट से देखिए यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, लाइन का शेप थिंग जो है बढ़ा लेंगे, और कलर है इसको जो ब्लैक कर देते हैं, उठा के साइड में इस तरह से रख देते हैं, यहाँ पे आ गया
तो फ्रेंड्स सिंपल जो सर्टिफिकेट था यहाँ पर एक डिज़ाइन है और बहुत सारे डिटेल इसमें सर्टिफिकेट में ऐड किए जाते हैं, सर्टिफिकेट नंबर हो गया, डेट, बहुत कुछ। तो टेक्स्ट बॉक्स लेकर आप उस तरह से ऐड कर लीजिएगा। लेकिन जो एक सिंपल बेसिक डिज़ाइन था, जो मैंने कोशिश किया कि आपको बेसिक तरीके से, बेसिक आसान तरीके से बताऊँ जिससे आपको समझ में आ जाए और आप प्रैक्टिस कर सकें और कुछ एक नया सीखने के लिए वर्ड में मिल सके, जो एक अच्छा खासा प्रैक्टिस आपके हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं काफ़ी वीडियो भी पीछे बनाया हूँ वर्ड का और एक्सेल का भी, आप उसे हमारे देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर, हमारे चैनल पे विजिट करके। तो फ्रेंड्स बताइए कि आप लोग वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। फ्रेंड्स यदि अच्छा लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन को जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।